नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी जगह के बारे में जिसे देखने मात्र से ही लोगों की जान जाती है। लोगों का कहना तो यह भी है कि यह जगह एक बच्चे की आत्मा से शापित है, और जो लोग वहां गए हैं उनका कहना ऐसा है कि उन्होंने वहां कुछ ऐसी चीजें महसूस करी हैं जिसे वो शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। तो ऐसी जगह कौन सी है? ये जगह है द चैनल्स ऑफ शौकीमिल्को, मैक्सिको सिटी के साउथ में। द डॉल आइलैंड के नाम से जाने जाने वाली जगह का असली नाम ला इस्ला दे यास मोनिकास है, जहां आपको हर पेड़ पर आपको कोई ना कोई टूटी हुई डरावनी कई गुड़ियाएं लटकती हुई मिल जाएगी, जिसकी झलक मात्र से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर इतनी सारी गुड़िया यहाँ आई कैसे, और आई भी तो यहाँ ये जगह शापित हुई कैसे। इन सवालों का जवाब यही कि एक कहानी में छुपा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 20वीं शताब्दी के मध्य में डॉन गोल्डन साधना बर्डर नाम के एक आदमी ने अपना घर पूरा छोड़ दिया और इस आइलैंड पर रहने की ठानी, जो कि असल में बगीचा है। कुछ समय बाद वो यहाँ पर आके रहने भी लग गया, और इस पैसे के बीच में क्या उसका क्या मकसद था यह बात किसी को आज तक नहीं पता है। वहाँ रहते हुए उसे कुछ समय बीत गया था। एक रात को उसे पास के कैनाल से एक छोटी सी बच्ची बहती हुई दिखी। ओलियान उसे बचाने के लिए भागा, पर जब तक वो कैनाल तक पहुंचा तब तक उस बच्चे की मौत हो चुकी थी। ओलियान को इससे गहरा सदमा पहुंचा, और थोड़ी देर बाद ओलियान को उसी जगह से एक और डॉल आती हुई दिखी। ओलियान को लगा कि ये डॉल तो उस बच्चे की है, और उसने बच्चे को वहां दफना दिया और डॉल को उस बच्चे की आत्मा को खुश करने के लिए पास के एक पेड़ पर टांग दिया, ताकि उसे लगा कि वो बच्चे से खेल सके। इस सदमे से आहत ओलियान की रातों की नींद चली गई थी, और वो लोगों से कहने लगा कि वो बच्ची सपने में उसको आती है और उसे डॉल मांगती है। इसलिए ओलियान जगह जगह से डरावनी दिखने वाली डॉल्स इकट्ठी करने लगा और उसको पेड़ों पर टांगने लगा। ओलियान ने 50 साल की उम्र तक उस पर डॉल टांगते रहा। इसी वजह से ये आइलैंड, जो कि असल में बगीचा है, पूरी तरह डॉल से भर गया। ओलियान के परिवार और कई लोगों का तो यह भी मानना है कि उसे कभी किसी बच्ची की लाश मिली ही नहीं, उसका खाली दिमागी संतुलन खराब हो गया है। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सबका मुंह बंद हो गया, जो कि है कि ओलियान की मौत 50 साल तक डॉल लटकाने के बाद एक दिन ओलियान की मौत काफी रहस्यमय तरीके से हुई, और ओलियान की लाश उसी कैनाल से आकर उसी जगह पर आकर मिली जहां पर ओलियान के मुताबिक उसे बच्चे की लाश मिली थी। अब ओलियान की मौत उसी तरह से होना और उसकी लाश उसी जगह पर मिलना महज इत्तेफाक है या शराब, ये तो हम आज तक नहीं जानते। मगर आज भी कोई भारी दोपहर में वहां यहां जाने से हिम्मत नहीं जल्दी करता। अब ओलियान की मौत उसी तरीके से होना और उसकी लाश का एग्जैक्ट उसी जगह पर मिलना महज एक इत्तेफाक है या फिर उसका कोई शराब, ये तो हम आज तक नहीं जानते, ना ही कभी जान पाएंगे। लेकिन एक बात तो है कि आज भी कोई भरी दोपहर में यहाँ जाने से कतराता है, और जो बहुत ज़्यादा हिम्मत करने वाले लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा जिगर वाले होते हैं, वो भी जाने की हिम्मत यहाँ जल्दी से नहीं करते। तो बताइए कैसी लगी आपको यहाँ की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया करके हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए कॉमेंट करके बताइए।